हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि पार्टिंग कैसा करना है। ओके, मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि एक प्रैक्टिशनर है सीएनसी के, उन्होंने मुझे पूछा था, प्रज्योत सिंह ऐसा उनका नाम है, प्रज्योत सिंह, उन्होंने मुझे पूछा था कि सर पार्टिंग का प्रोग्राम कैसा बनाने का है, आप मुझे बताइए। इसलिए मैं इन्हें उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, तो आप वो वीडियो देखिए, आपको भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि पार्टिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग जो ग्रूविंग का प्रोग्राम है, ग्रूविंग जो यूज करते हैं, उसे बहुत सारे लोग पार्टिंग बोलते हैं, बट हमें एक फर्क समझ में आना चाहिए, एक हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पार्टिंग का मतलब ही, अगर पार्टिंग को आप सर्च करोगे तो पार्टिंग का मतलब ही ऐसा होता है कि एक चीज को दो भागों में डिवाइड करना, पार्ट करना, इसका मतलब पार्टिंग होता है। और ग्रूविंग का मतलब ही अलग होता है। ग्रू एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, पार्ट एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। पार्टिंग को बहुत सारे लोग ग्रू बोलते हैं और ग्रूविंग को बहुत सारे लोग पार्टिंग बोलते हैं, तो ये कंफ्यूजन सबसे पहले हमें अपने दिमाग में से निकालना पड़ेगा कि पार्टिंग क्या होता है और ग्रूविंग क्या होता है। ग्रूविंग के अंदर हम लोग ग्रूव्स बनाते हैं, राइट, और पार्टिंग के अंदर हम लोग उस जॉब को कट करके वो जॉब को हम लोग पेरेंट जॉब से अलग करते हैं, पेरेंट मटेरियल से अलग करते हैं, तोड़ते हैं। पार्टिंग करना मीन्स तोड़ना, कट करना, इसको पार्टिंग बोला जाता है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली पार्टिंग के प्रोग्राम की तरफ चलता हूं, बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है पार्टिंग वाला। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली अभी प्रोग्रामिंग मैनेजर में जाएंगे। प्रोग्राम मैनेजर में जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ऐसा एक विंडो ओपन होगा, इस विंडो के अंदर हमें नया प्रोग्राम बनाना है। तो नया प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, तो नया प्रोग्राम बनाने के लिए पार्ट प्रोग्राम में जाओ। पार्ट प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन आएगा, यहाँ पे न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि नया प्रोग्राम कैसा बनाए, किस किस प्रकार से हम लोग किस किस टाइप से नया प्रोग्राम बना सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो सेपरेट बनाया है, आप उसको देख सकते हो वीडियो को। इसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताऊंगा कि नया प्रोग्राम कैसा बनाना है, क्योंकि हमारा अभी इंटेंशन जो है वो पार्टिंग के ऊपर ज्यादा रहेगा, पार्टिंग प्रोग्राम के ऊपर हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम डालेंगे पार्टिंग, PARTING, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीमेंस किसी भी टाइप का कोई भी लिमिटेशन नहीं देता है आपको नाम डालने के लिए, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, यू कैन गिव एनी नेम टू दैट प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे पार्टिंग नाम का प्रोग्राम का नाम दिया क्योंकि मुझे पार्टिंग करना है, एंड आई विल से हियर ओके। मैंने ओके बोलने के बाद मेरे सामने ब्लैंक पेज ओपन हो गया है सीएनसी का, सीमेंस के सीएनसी कंट्रोलर में ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। ओके, 8 to 8, 840 डीएसएल, 840 में ये सभी इसमें इस टाइप का ब्लैंक पेज ओपन होता है। अभी इसके अंदर हम लोग पार्टिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे इससे पहले के वीडियो देखे होंगे बहुत सारे, तो मेरे एक प्रोग्राम बनाने की एक स्टाइल है, मेरे एक प्रोग्राम बनाने की एक अलग मेथड है, वो मेथड आप अगर फॉलो करते होगे तो अच्छा ही है, नहीं तो आप आपकी खुद की भी मेथड फॉलो कर सकते हो। मगर मेरी जब मेथड है, मैं जो स्टाइल यूज करता हूं प्रोग्राम बनाने के लिए, वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड टाइप की स्टाइल होती है। उस स्टाइल में कम से कम जी कोड यूज करके प्रोग्रामिंग बनाना, ऐसा ही मेरा ज्यादा करके मकसद रहता है, ऐसा ही मेरा ज्यादा करके इंटेंशन रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा जी कोड उतना अल्टरेशन वगैरह सब चीजें आती है। ओके, तो स्टैंडर्ड प्रोग्राम मैं बनाता हूं, कम से कम जी कोड यूज करके ही हम सीमेंस में प्रोग्राम बना सकते हैं, यही सीमेंस का बहुत बड़ा ब्यूटी है। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग की तरफ दे जाते हैं। अभी मेरा ब्लैंक पेज है ओपन, अभी ब्लैंक पेज के अंदर मुझे अभी पार्ट प्रोग्रामिंग पार्टिंग का प्रोग्राम बनाना है। पार्टिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने कोई फिगर नहीं लिए, कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर इसको डाल सकते हो, 5 मिनट का प्रोग्राम रहेगा, ज्यादा नहीं। सबसे पहले हम लोग वेरियस बटन दबाते हैं क्योंकि हमें ब्लैंक सिलेक्शन करना है। ब्लैंक सिलेक्शन मीन्स रॉ मटेरियल सिलेक्शन, हमारा जो रॉ मटेरियल का जो साइज है, शेप है, वो हमें देना पड़ेगा जॉब को। तो हम लोगों को सबसे पहले ब्लैंक सिलेक्शन करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल के सिलेक्शन के लिए हम लोग वेरियस बटन दबाते हैं। वेरियस बटन दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्लैंक का, ऊपर साइड में, दिस इज अ ब्लैंक ऑप्शन। वे ब्लैंक ऑप्शन आपको ये डिसाइड करने के लिए
ये ब्लैंक ऑप्शन का फंक्शन ऐसा होता है कि आप रॉ मटेरियल लिस्ट के अंदर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पे ब्लैंक के ऊपर प्रेस करता हूं। ब्लैंक के ऊपर प्रेस करने के बाद मेरे सामने इस टाइप का ऐसा विंडो आएगा। इस विंडो के अंदर यहां पे अगर समझो फर्स्ट नंबर ब्लैंक आता है और यहां पे आपको ये बताता है, फोटो बताता है एनिमेशन फॉर्म में कि आपको क्या इनपुट डालने, किसके लिए क्या इनपुट डालना है, ये आपको यहां पे पैरेलली बताएगा। तो ब्लैंक में आपको क्या डालना है यहां पे, अभी किस टाइप का आपके ब्लैंक का शेप क्या है, जो आपका रॉ मटेरियल है उसका शेप क्या है। तो किस किस टाइप के रॉ मटेरियल हो सकते हैं, पहला पाइप हो सकता है या सिलेंडर हो सकता है या उसके बाद ब्लॉक सेंटर्ड हो सकता है, ऐसे नंबर ऑफ टाइप के हो सकते हैं। अभी हमारे पास सिलेंडर टर्निंग मशीन है, हम लोग ज्यादा करके सिलेंडर यूज करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेंडर जॉब यूज करते हैं। तो आई विल सेलेक्ट हियर सिलेंडर XA मीन्स डायमीटर ऑफ माय रॉ मटेरियल, मेरा जो जॉब है जिसके ऊपर मुझे मशीनिंग करना है, जिसके ऊपर मुझे कटिंग करना है, उस जॉब का डायमीटर कितना है। तो उस जॉब का डायमीटर मेरा 60 mm है। ओके 60 mm इज ओके, नो प्रॉब्लम। 60 mm मैंने एक डायमीटर डाल दिया जॉब का एंड आई विल से हियर इनपुट। उसके बाद XA, ओके उसके बाद ZA, ZA मीन्स आपके जॉब के फेस के ऊपर कुछ मटेरियल अवेलेबल है क्या। यस मटेरियल है तो डालो, नहीं तो मत डालो। यहाँ पे मेरे पास मटेरियल नहीं है, मैं यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ। आई डोंट वांट टू पुट हियर एनी स्टॉक ऑन जेड फेस, ओके फेस ऑफ द वर्क पीस। देन आई विल से हियर इनपुट बटन, आई विल प्रेस इनपुट एंड आई विल से हियर व्हाट इज देयर ZI बोले तो क्या बोलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ZI। ZI मीन्स टोटल लेंथ ऑफ अवर जॉब, अपने जॉब का टोटल लेंथ कितना है। हमारे जॉब के अंदर चक के अंदर हमें अगर जॉब को पकड़ लिया हमने, तो हमारे चक के साथ हमारे जॉब का लेंथ कितना है, वो लेंथ हमें डालना है। यूज से यू कैन से -100 -80 -50, आई विल से हियर -80 -80 इज कंफर्म, नो प्रॉब्लम। यू कैन पुट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट यू कैन पुट एनीथिंग। देन आपके पास इनपुट में बटन दबाता हूं, इनपुट बटन दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पे ZB बटन ऑप्शन बताता है। ZB मीन्स आपका कटिंग लेंथ, आपको कहां तक कटिंग करनी है उस जॉब की, वो यहाँ पे आपको बताता है। ZB मीन्स आपके जॉब का कटिंग लेंथ, कहां तक आपको जॉब को कटिंग करना है। अगर मेरा जॉब टोटल अगर 80 mm का है, तो हम लोग वहां पे 60-70 mm डाल सकते हैं। तो आई विल पुट हियर -60 mm 70 mm वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट हियर, आई विल पुट हियर 70, ओके सम अमाउंट ऑफ सेफ साइड आई विल पुट हियर 70 mm, 70 ओके 70 एंड इनपुट ओके। इसे इनपुट बोलने के बाद मेरा पूरा डेटा, मैंने रॉ मटेरियल का सिलेक्शन किया है, मेरा पूरा डेटा यहाँ पे फाइनलाइज हो गया है। अभी आई विल से हियर, अगर आपको इस जॉब का रॉ मटेरियल का शेप देखना है, आपने डाला है जिस अपने डायमेंशंस डाले हैं, उस डायमेंशन के हिसाब से अगर आपको देखना है इसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा ग्राफिक्स व्यू अगर आपने बटन दबाया, तो आपका जॉब का एक्चुअल डायमीटर कितना रहेगा जो आपने डायमेंशंस डाले है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे बताएगा। ओके सो आई विल से हियर एक्सेप्ट, इस प्रकार से मेरा रॉ मटेरियल सिलेक्शन हो चुका है। अभी मैं यहां पे एंटर बटन प्रेस करता हूं, इनपुट, इनपुट के बाद क्या रहेगा, G75 X0 Z0 यस व्हाट इज दिस, दिस इज अ मशीन रेफरेंस पॉइंट। सभी हम एवरी टाइम हमको अगर टूल चेंज करना है, तो हम लोग मशीन रेफरेंस देते हैं एंड दैट इज अ सेफ, तो मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे टूल सेलेक्ट करना है, मैं हमेशा बोलता हूं कि T1D1M6 ऐसा बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उससे अच्छा हम लोग डायरेक्टली वहां का टूल, जो तो हमारे ऑफसेट पेज में जो टूल है, उस टूल को हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसके लिए हमें ज्यादा वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, प्रॉब्लम नहीं देगी, गलत टूल हमारे हाथ से सेलेक्ट नहीं होगा, ये बहुत सारे फायदे हैं इसके। इसलिए हमको डायरेक्टली क्या करना है, अभी टूल इंपोर्ट करना है, टूल कॉल से अच्छा टूल इंपोर्ट बहुत अच्छी बात होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट बटन रहेगा, इसके एडिट बटन को प्रेस करना पड़ेगा। वेरियस में थे हम लोग, अभी एडिट बटन प्रेस करना पड़ेगा। एडिट बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिखेगा, ब्लू कलर का है ना, एडिट बटन आपका एनेबल हो चुका है। अभी इसके अंदर आपके फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट टूल नाम का ऑप्शन बताता है, आई नीड टू प्रेस हियर सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल बटन प्रेस करने के बाद मैं कौन सा प्रोग्राम बना रहा हूं, अभी मेरा प्रोग्राम का फंक्शन क्या है, क्या बनाने वाला हूं मैं इस प्रोग्राम में, किस ऑपरेशन के तरफ मैं जा रहा हूं, तो मैं पार्टिंग ऑपरेशन के तरफ जा रहा हूं। पार्टिंग मीन्स कट करना, जॉब को दो भागों में पार्ट करना, इसका मतलब होता है पार्टिंग।
ओके तो उसके लिए हमें पार्टिंग के लिए प्लंज कटर ही यूज करते हैं, जिसको हम लोग ग्रूविंग टूल भी बोलते हैं। वो ऐसा ही टूल होता है मगर उसमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। आप अगर टूल वालों से बात करोगे, टूल मैन्युफैक्चरर से बात करोगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ वाला टूल दे देंगे और थोड़े उनका लेंथ भी ज्यादा होता है, ओके एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके तो ये मेरा पार्टिंग का टूल हो गया। 5 नंबर पे आता है मेरा पार्टिंग का टूल, या ऐसा ग्रूविंग टूल के जैसा ही है। ओके आई विल से हियर, ओके मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूं, जिस टूल को मुझे चाहिए उसके ऊपर मुझे कर्सर लेके आना है। ओके मेरे पार्टिंग टूल के ऊपर मैंने कर्सर लाया और आई विल से हियर ओके। ओके के बाद D1, उसके बाद M6 आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। टर्निंग में M6 का जरूरत नहीं है, टूल चेंज का टर्निंग में जरूरत नहीं है, टरेट रहता है ऑटोमेटिकली टूल चेंज होगा ही अगर आप टूल चेंज का कमांड A डालोगे तो। अभी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिंग में। वो पॉइंट कौन सा? तो पॉइंट के लिए हमें ये टूल सेलेक्ट करते ही, हमें ये टूल सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें एक बार क्या करना है, ऑफसेट बटन के अंदर जाना है। ऑफसेट बटन में जाने के बाद हमें जिस जो हमने टूल वहां पे सेलेक्ट किया था उसी टूल के ऊपर हमारा कर्सर लेके आना है और हमें पूरा टूल का डिटेल देखना है कि टूल का हमारा ऑफसेट लिया है क्या। हाँ लिया है ऑफसेट। उसके बाद टूल का नोज रेडियस है जितना है उतना नोज रेडियस रहेगा जो कि आपके एक्चुअल मशीन में रहेगा। अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्यों इस पेज के ऊपर आने के लिए आपको बोला था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि आपका जो आप जो इंसर्ट यूज कर रहे हो पार्टिंग के लिए, उस इंसर्ट का आपका विड्थ कितना चाहिए, इंसर्ट का आपका विड्थ कितना चाहिए। आप पार्टिंग कर रहे हो मींस आपका इंसर्ट अंदर इंसर्ट होगा, आपका इंसर्ट अंदर घुसेगा वो मटेरियल के अंदर, और जितना बड़ा आपका इंसर्ट का विड्थ होगा उतना बड़ा आपका पार्टिंग का मटेरियल होगा, उतने बड़ा आपका पार्टिंग का विड्थ होगा उतना बड़ा आपका पार्टिंग होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको 4 mm मटेरियल कट करना है पार्टिंग में तो आपको 4 mm का इंसर्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 5 mm का मटेरियल यूज करना है, पार्टिंग करना है, तो आपको 5 mm का यूज करना पड़ेगा। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का आपको यहाँ पे प्लेट का विड्थ डालना पड़ेगा। प्लेट विड्थ मीन्स ग्रूविंग इंसर्ट पार्टिंग इंसर्ट का विड्थ यहाँ पे हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक आता है। ये पॉइंट थोड़ा बहुत सारे लोग इसके तरफ नजरअंदाज करते हैं, इससे अच्छा ये पॉइंट देखो आप कि हमारे पास हम लोग पार्टिंग कर रहे हैं, पार्टिंग करते समय हमारा जो इंसर्ट है, हमारा जो जॉब है, हमारा जॉब 60 mm 50 mm व्हाटएवर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द जॉब, वो हमारा डायमीटर जो है जॉब का, उस जॉब को हम लोग डायरेक्टली कट कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो इंसर्ट है वो उस जॉब के सेंटर पॉइंट तक जाएगा, इंसर्ट उस जॉब के सेंटर पॉइंट तक जाएगा। तो सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए इंसर्ट को जॉब के हमारा इंसर्ट का लेंथ भी उतना चाहिए। अगर आपको 50 mm मटेरियल के अंदर आपको अगर पार्टिंग करनी है और अगर आप 10 mm डायमीटर का 10 mm लेंथ का आप इंसर्ट यूज करते हो तो नहीं होगा, वो एक्सीडेंट कर देगा। उससे अच्छा आपको लंबा इंसर्ट जो आपका मशीन के ऊपर, तो आपको समझ में आता है, बहुत सारे लोग ऐसा हाथ लगा के देखते हैं कि इंसर्ट लगा के कि कितना इंसर्ट अंदर जाएगा, तो हमारे इंसर्ट का उतना लेंथ चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कि इंसर्ट का लेंथ चाहिए। और उसके बाद और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि आप जो पार्टिंग के लिए जो टूल होल्डर यूज करते हो उसका भी बहुत बड़ा मतलब होता है। उस टूल होल्डर का ग्रूविंग के जैसे टूल होल्डर होता है वो, मगर उस टूल होल्डर के अंदर थोड़ा सा उसका लेंथ जो है वो लंबा रहता है। ओके वो छोटा लेंथ नहीं चलेगा उस केस में, छोटा लेंथ रहेगा तो मशीन डैश करेगा, वहां पे जाके वो डैश करेगा टूल होल्डर। इसलिए हमको प्लेट का लेंथ, प्लेट का विड्थ, टूल होल्डर का हमारा कटिंग का जो लेंथ होता है छोटी सी जो होती है उसके आगे जहां जिसके ऊपर हम लोग पार्टिंग का इंसर्ट ग्रूविंग का इंसर्ट माउंट करते हैं जिस एरिया के ऊपर, वो भी थोड़ा सा लंबा एरिया चाहिए। ये हमें बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे मशीन के अंदर कौन सा हमने इंसर्ट लगाया है, टूल कौन सा लगाया है, और उस हिसाब से हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो मेरा अभी डायमीटर 60 mm था मेरे जॉब का, तो आई विल पुट हियर 20 mm 25 mm, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 25 mm तक लेंथ वाला मैं इंसर्ट यूज कर सकता हूँ। आता है 25 mm का भी लेंथ का वाला, मार्केट में मिल जाएगा आपको। इसको डालने के बाद आई विल से हियर इनपुट। इस प्रकार से मैंने मेरा टूल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने टूल का यहाँ पे कवर किया है। अभी उसके बाद हम लोग ज्यादा डायरेक्टली प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ नहीं है, अभी हमने उतना ज्यादा प्रिकॉशन ले लिया तो अभी इधर सब कुछ ईजी है, वो प्रिकॉशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आरपीएम वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सब कुछ डायरेक्टली इनबिल्ट साइकिल में मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, साइकिल डाल देता हूं सीधा
देखिए हम लोग यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा सेफ साइड चलना है तो हम लोग यहाँ पे पार्किंग पोजीशन डालते हैं Z0X70, ओके। और जेड आप कुछ भी डाल सकते हो, जेड मैं यहाँ पे डालता हूँ -30, 50, 40, जहां पे आपको पार्किंग करनी है वो पोजीशन आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एक पार्किंग पोजीशन जहां पे आपका टूल रैपिडली आके रुकेगा थोड़ा सा नियर अबाउट हमारे कटिंग एरिया के, आपको डालना है तो डालो नहीं तो मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इनपुट, उसके बाद हमारे को पार्टिंग करनी है। पार्टिंग का साइकिल कहां मिलेगा? पार्टिंग का साइकिल मिलने के लिए हमको एडिट मोड, एडिट मोड के बाद हमें टर्निंग बटन दबाना है। टर्निंग बटन के अंदर हमारे पास यहां पे कट ऑफ नाम का सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। कट ऑफ सीमेंस के लैंग्वेज में उसको कट ऑफ बोला जाता है, पार्टिंग को मटेरियल कट करना है। तो मैं यहां पे कट ऑफ बटन प्रेस करता हूं। कट ऑफ बटन प्रेस करने के बाद मेरे सामने इस प्रकार का विंडो ओपन होगा, इसे पार्टिंग बोलते हैं। इस जो आपको फोटो दिख रही है इस फोटो को पार्टिंग बोला जाता है। ये देखिए ऐसा मटेरियल कट करता है, पार्ट मीन्स ए मटेरियल, ए पैरेंट मटेरियल से इसको कट कर रहा है, बाजू में निकाल रहा है, दैट इज अ पार्टिंग, ओके। उसके बाद आई विल से हियर इनपुट, यहाँ पे यस्सी, यस्सी में सेफ्टी क्लियरेंस, आपको कितना सेफ्टी क्लियरेंस रखना है, 1 mm 2 mm आप रख सकते हो, दैट इज फॉर द सेफ्टी ओनली। उसके बाद यफ माने फीड, आपको पार्टिंग करते समय कितनी फीड रखनी है, 0.1 जितनी रखनी है, कम से कम फीड रखने वाला अच्छा रहता है। यहाँ पे आपका टूल का और आपके मटेरियल का आप लोग कंसिडरेशन करके फीड रख सकते हो। उसके बाद डायरेक्शन, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जॉब घूमना चाहिए पार्टिंग करते समय या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास एज पर इंसर्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। हम लोग क्लॉकवाइज यूज कर सकते हैं, जिसको एंटी क्लॉकवाइज करना है एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, ओके। एंटी क्लॉकवाइज भी यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लॉकवाइज किया तो भी कोई यूज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज इज ओके, नो प्रॉब्लम, क्लॉकवाइज इज ऑल्सो ओके एज पर योर टूल कंडीशन। आपका टूल जैसा है उस हिसाब से आपको रखना है। उसके बाद यस, यस माने आरपीएम, आपको आरपीएम कितना रखना है पार्टिंग करते समय, आपको आरपीएम कितना रखना है। तो पार्टिंग करते समय मैं 1000 आरपीएम रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000, 1200 जैसा आपका मटेरियल है, क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स है मशीनिंग पैरामीटर्स दिस इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड ऑपरेशंस। तो हमें मटेरियल टूल आपके टूल के मैन्युफैक्चरर से आप कंसल्ट करके आपके मटेरियल के आप लोग यहाँ पे पैरामीटर्स रख सकते हो। एक्स जीरो, अभी हमारा मेन पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एक्स जीरो, एक्स जीरो मीन्स किस डायमीटर के ऊपर हमें पार्टिंग करनी है। तो हमारा जिस डायमीटर के ऊपर हमें पार्टिंग करनी है उस डायमीटर यहाँ पे डालना है। हमारा डायमीटर 60 mm, मैंने रॉ मटेरियल का साइज सिलेक्शन डाला था 60 mm। आई विल से हियर उसके बाद हमें कितने एमएम के पार्ट्स करने हैं, कितने एमएम के हमें कट करने हैं। तो मेरा जो जॉब का टोटल लेंथ था 80 mm था, मगर मुझे 50-50 एमएम के मुझे उसमें से पार्ट्स निकालने हैं, 50-50 एमएम के मुझे इसमें से टुकड़े निकालने हैं, मीन्स कट कट करने हैं। 50 mm के बाद मटेरियल कट होना चाहिए, मेरा नीचे गिरना चाहिए, 50 mm होने के बाद कट होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। तो मैं यहाँ पे -50 डाल दिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितने एमएम का आपको जॉब का साइज चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -50 mm, ओके। उसके बाद आई विल से इनपुट, इनपुट के बाद आपको आर, आर मीन्स क्या है, आपका ए जो मटेरियल रहेगा इधर साइड का जो पार्ट रहेगा जिसको हम लोग कट कर रहे हैं उसके बैक साइड में आपको कुछ यहाँ पे रेडियस चाहिए क्या, ओके आपको यहाँ पे कुछ चाम्फर चाहिए क्या, क्योंकि दिस इज आवर फिनिश मटेरियल। एंड ये जो पीछे का मटेरियल है जिसको हम लोग जो अभी चक में पकड़ा हुआ मटेरियल है वो हम लोग तो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं यूज कर रहे ना, वो तो हमारा रॉ मटेरियल है, वो अभी आगे आएगा फिर बाद में मटेरियल कट होगा। बट जिसको जो कट होके नीचे गिर रहा है जॉब, दैट इज आवर फिनिश गुड। तो हमें उसको अगर समझो हमें कोई चाम्फर देना है, रेडियस देना है उसके एंड को, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन है, आपको देना है तो आप दे सकते हो। आर मीन्स रेडियस, आपको जो देनी है दे सकते हो। अगर आपको चाम्फर देना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट का बटन दबाना पड़ेगा। सेलेक्ट का बटन दबाते ही आपके सामने आर का एफ एस मीन्स चाम्फर हो जाएगा, यहाँ पे बताएगा आपको चाम्फर। एफ एस करोगे सिलेक्शन तो आपको चाम्फर मिलेगा, आर करोगे सिलेक्शन तो आपको रेडियस मिलेगा, जो आपको चाहिए ले सकते हो। फॉर नाउ आई विल पुट हियर आर ओनली, आर इज ओके, देन आई विल से इनपुट। इनपुट के बाद X1, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेरा टूल ऊपर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मेरा टूल ज्यादा अंदर मटेरियल के घुसेगा, ज्यादा अंदर मटेरियल के इंसर्ट होगा, तो इंसर्ट होने के बाद मेरे टूल को एक अलग टाइप का फीड रेट, अलग टाइप का आरपीएम देना पड़ेगा। तो कौन से डायमेंशन से मुझे मेरा फीड रेट और आरपीएम मुझे रिड्यूस करना है, क्योंकि रिड्यूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लोड ज्यादा आएंगे यहाँ पे, ये सब कटिंग लोड की बात रहती है,
इसलिए मेरा 60 mm डायमीटर का जॉब है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 25 mm तक मैं आता हूँ। 25 mm तक मेरा जो आरपीएम फीड स्पीड रहेगा वो एज पर दिस कंडीशन रहेगा, ऊपर जो मैंने दिया था वो, और उसके 25 तक मेरा जॉब आने के बाद, मेरा इंसर्ट जॉब के 25 तक आने के बाद मेरा जो फीड रहेगा वो थोड़ा सा कम होगा। मैं फीड 0.05 भी रख सकता हूँ, आपको जितना रखता है उतना रख सकते हो, 0.05 mm पर रिवॉल्यूशन आपका यहाँ पे फीड है। मैं कम कर सकता हूँ 0.08, जैसे आपके मटेरियल की मर्जी है वैसी, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इधर ज्यादा फीड रखना है और इधर नीचे कम फीड रखना है। उसके बाद मैं अगेन इनपुट बटन प्रेस करता हूँ, फीड कम हो रहा है, मीन्स हमारा आरपीएम भी कम करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आरपीएम मेरा 1000 था, यहाँ पे मेरा आरपीएम 200 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 आरपीएम जब मेरा इंसर्ट 25 mm तक पहुंचेगा तो उसके बाद मेरा इंसर्ट का फीड रहेगा 0.05, आरपीएम रहेगा 200, ओके? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है X2 मींस आपको कट करने के बाद X0 जो आपका जीरो पॉइंट है मशीन का, जो आपका एक्सिस है आपके जॉब का, वो एक्सिस के नीचे कहां तक आना चाहिए मेरा जॉब, क्योंकि एक्सिस के नीचे आएगा जॉब तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट में यहाँ पे जो एक ये आता है ना, एक पॉइंट दिखाता है। अब जब लोग टर्निंग करते हैं फेसिंग करते समय हमको समझ में आता है, हम लोग फेसिंग करते समय भी 1 mm 2 mm नीचे थोड़ा सा टूल लेके आते हैं, वैसा ही यहाँ पे नीचे लाओगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं आएगा, तो पॉइंट ना आए इसलिए 1 mm 2 mm आप यहाँ पे रख सकते हो, -1 mm मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इस -1 का मीनिंग ऐसा होता है कि मेरा जो इंसर्ट है, मेरा इंसर्ट एक्सिस के नीचे 1 mm आ रहा है, That is my point, okay? इसके बाद मेरा अभी ये पार्टिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको कोई अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके? उसके बाद आई विल से हियर एक्सेप्ट, उसके बाद इनपुट G0 X70 Z-50, दिस इज माई पार्किंग पोजिशन। अगेन पार्किंग पोजिशन पे ऊपर लेके आया मैंने टूल को, पार्किंग पोजिशन के ऊपर मैंने टूल लाते ही मेरे को क्या करना है अभी नेक्स्ट ऑप्शन, G75 X0 Z0 M05 M30। बहुत कम, मैंने 3-4 गिने चुने जी कोड यूज किए, उससे ज्यादा जी कोड नहीं यूज किए मैंने। इस प्रकार से मेरा पार्टिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आई विल से सिमुलेशन, आप जब सिमुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए मेरा 3D साइज में आकर देखना है आपको, तो 3D व्यू में आप देख सकते हो, देखिए ये मेरा जॉब है, इसके अंदर लगा हुआ है जॉब, इंसर्ट आएगा, ये देखिए इंसर्ट आ रहा है, देखो कट कर रहा है। देखो अभी हम लोग साइड व्यू में जाके देखेंगे तो देखिए मटेरियल पूरा कट हो चुका है। अगर साइड व्यू में हमें सिमुलेशन देखना है तो हम लोग साइड व्यू में भी सिमुलेशन देख सकते हैं। सिमुलेशन ज्यादा करके साइड व्यू में देखा जाता है सिमुलेशन को, तो सिमुलेशन साइड व्यू के अंदर आपको यहाँ पे पार्टिंग हो रहा है, इंसर्ट आएगा यहाँ पे और कट करेगा, ओके? यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अगर आपने सिमुलेशन देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, जो सीएनसी प्रैक्टिशनर्स है उनको, जो रेगुलर सीएनसी प्रैक्टिशनर्स है उनको भी मैं जरा बोलना चाहता हूँ इस बात पे कि आपको पार्टिंग करते समय एक ही बार मेरा टूल ऐसा इंसर्ट होगा अंदर 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 और पूरा मटेरियल कट करेगा एक ही इसमें। अगर आपको डेप्थ ऑफ कट फॉर्म में अगर आपको मटेरियल कट करना है तो आप उस केस में ग्रूविंग की भी साइकिल यूज कर सकते हो, बट ग्रूविंग की साइकिल में थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक वहां पे जुगाड़ करना पड़ेगा, इन द सेंस जुगाड़ करने से अच्छा दिस इज द बेस्ट साइकिल, बेस्ट ऑप्शन, यू कैन यूज दिस, बट यहाँ पे स्पीड फीड के ऊपर कंट्रोल करोगे तो आपका यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको पार्टिंग का प्रोग्राम बताया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, आपको कुछ डाउट आता है तो आज ये जो आपका प्रॉब्लम है प्रज्योत सिंह नाम के किसी स्टूडेंट ने पूछा था, उनका मैं अभी इसके ऊपर बना दिया वीडियो, ऐसा ही आप जैसा जैसा मुझे पूछते रहोगे डाउट वैसे वैसे मैं आपको ये डाउट बताता रहूंगा और मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ओके? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।